हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, आज आपका यूट्यूब फिल्म अपडेट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते रफ्तार को थामने के लिए मिस्टर योगी सरकार ने अब सख्त निर्णय ले लिए हैं। अब पूरे प्रदेश में हर रविवार को कोरोना कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान शहर हो या गाँव, सारे बाजार बंद रहेंगे, सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को छूट होगी। साथ ही मास्क न लगाने पर भी बहुत बड़ी चेतावनी दी है उन्होंने कि जो व्यक्ति मास्क नहीं लगाएगा उसको 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा, और फिर मास्क लगाएगा तो उसको 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। तो इतनी बड़ी चुनौती के बाद भी अगर जनता ना संभल पाए तो बहुत बड़ी बात है। सीएम के फैसले के बाद कानपुर में पाबंदियों और सख्त कर दी गई। डीएम के आलोक तिवारी ने कहा है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान परचून दुकानों को लेकर उद्योगों तक बंद रहेंगे, जरूरी और चिकित्सा सेवाओं को भी अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री ने ये निर्णय शुक्रवार को मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ही किया है। उन्होंने ये भी अभियान किया है सुचारू रूप से संचालन के लिए कि 15 मई तक प्रत्येक रविवार शहरी और ग्रामीण इलाकों के बाजार, हाट, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय आदि सभी को बंद करने की चेतावनी दी है उन्होंने। तो हेलो फ्रेंड्स, हम ये देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जो ये इतना अहम और बड़ा फैसला लिया है सिर्फ कोविड से जनता को बचाने के लिए किया है। और मुख्यमंत्री ने कहा है रात से शनिवार 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक सभी ग्रामों एवं नगरों में सैनिटाइज और स्वच्छता एवं फॉगिंग अभियान चलेगा। इसके लिए मंडलायुक्त ने अपने आप को मंडल का नोडल अधिकारी नामित किया गया है। सीएम मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन 15 मई तक स्थगित करने का भी उन्होंने निर्देश किया है। कानपुर लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर नगर एवं वाराणसी के डीएम एवं मंडलायुक्त ने कोरोना नियंत्रण पर कार्रवाई की जानकारी भी दी है। तो सो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा यूट्यूब चैनल लिमिटेड अपडेट पसंद आया हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।